नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आ रहा है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी और ईपीएससी के लिए शानदार और जानदार कोर्सेज, जिसके लिए हम प्रीलिम्स, मेंस, उनके ऑप्शनल की आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, इवेल्यूएशन अपनी अनुभवी टीम द्वारा करा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेन वीडियो। इस वीडियो में प्रमुखतः हमने चार सेक्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। एक पॉलिटी सेक्शन से, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम, बहुदलीय जो सिस्टम है उसकी क्या खामियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, एक दलीय सिस्टम से कैसे अच्छा है। एनवायरमेंट से लिया गया है ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, खास करके यूरोपियन यूनियन द्वारा इस पर प्रस्तावन जब लाया गया है तो भारत में इसे लाने पर बात चल रही है। और किस तरह से 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसको हम कैसे ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट से पूरा कर सकते हैं, उसकी एक डिटेल डिस्कशन है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन लिया गया है जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दुनिया भर में इसका क्या प्रचलन है और भारत क्यों अब इसमें पीछे रह गया है और क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। मॉडर्न इंडिया से हमने लिया है खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो खिलाफत असहयोग आंदोलन है उसकी एक पृष्ठभूमि, उसकी कुछ खूबियाँ और खामियाँ, और किस तरह से ये आगे चलकर टू नेशन थियरी को जन्म देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली क्या है और एक दलीय प्रणाली से ये कैसे बेहतर है, हाउ इट इज़ बेटर देन सिंगल पार्टी सिस्टम। तो पहले हम मल्टी पार्टी सिस्टम को बताएंगे, फिर सिंगल पार्टी सिस्टम को बताएंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, कुछ प्रमुख देशों के एग्जाम्पल देंगे और आंसर कंप्लीट करेंगे। मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसी डेमोक्रेसी में जहां पर एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। इसके कुछ विशेष फीचर्स होते हैं जैसे कि अधिक समावेश यानी कि मोर इंक्लूसिवनेस, डाइवर्सिटी, विविधता, मोर बड़े बड़े देश, बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की जो व्यवस्था है वो आमतौर पर देखने को मिलती है। एक लिबरल गठबंधन की सरकारें होती हैं, लिबरल फिलोसफी होती है, उदारवादी दर्शन कंपैरेटिवली, अब क्योंकि बहुत सारे जो गठबंधन की सरकार होती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्टेबिलिटी है तुलनात्मक रूप से या इसकी अस्थिरता जो है वो बनी रहती है क्योंकि यह गठबंधन से बनती है और अलग अलग दलों के अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और उन इंटरेस्ट को साधने के लिए यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता जो है काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है, जिसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 1990 के दशक का भारत जहाँ पर 3 और 4 साल में ही हम 4-5 प्रधानमंत्री को बदलते हुए देख लेते हैं। पॉलिटिकली ड्रिवन एजेंडा, इस एग्जांपल में आप नेपाल का एग्जांपल ले सकते हैं कि नेपाल बहुत कम समय में ही लोकतंत्र बना है और उसने अभी तक 11 प्रधानमंत्री देख लिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो बहुदलीय व्यवस्था में इस तरह की चीज़ें अक्सर हाँ देखने मिलती हैं। अब क्या होता है, क्योंकि ये वोट बैंक पर रिलेटेड है, आधारित है, बहुदलीय है यानी बहुत से दल हैं और लोकतंत्र है तो वोट इसमें सबसे मैटर करता है। तो ये देखा गया है कि अक्सर हाँ मेजोरिटेरियन और वोट बैंक पॉलिटिक्स पर ये बहुसंख्यकवादी और वोट बैंक की राजनीति पर इस तरह की जो पार्टी सिस्टम होती हैं उसका खासा विशेष होता है और इसके उलट जो माइनॉरिटी अपीजमेंट पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान इन पार्टी व्यवस्था में, इन बहुदलीय स्वतंत्रता प्रणाली में देखने को मिलता है। कुछ इसकी प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं तो कहाँ कहाँ पर हैं, तो भारत, पाकिस्तान, इसराइल, जर्मनी, ब्राज़ील और डेनमार्क जैसे देशों में मल्टी पार्टी यानी कि बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और चल रही हैं। अब देखेंगे सिंगल पार्टी सिस्टम क्या है, तो ये एक ग्रुप और यानी कि एक ही समूह और एक ही संगठन होता है, इसमें सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट आइडियोलॉजी यानी कि एक ही तरह की विचारधाराएं होती हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम की तरह बहु विचारधारा की पार्टी नहीं होती, इट इंक्लूड्स, और इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं जैसे कि यूनिटरी कैरेक्टर,
एक अधिक कठोर विचारधारा एकात्मक चरित्र का चीज़ होती है। डिसीजन मेकिंग इसमें शिफ्ट होता है क्योंकि एक इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, अलग अलग पार्टियाँ नहीं हैं, उनके अलग अलग विचारधाराएँ नहीं हैं, एक सेंट्रल लीडरशिप है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो जो नेशनल लेवल पर जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव कार्यकारी और CEO टाइप का जो कल्चर इसमें होता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इसमें कार्य प्रणाली जो है बहुत सीधी और सरल होती है, जिसके लिए डिसीजन मेकिंग पावर जो है बहुत बढ़िया होती है। अब वो डिसीजन सही है या नहीं, किसके हित में है या नहीं, वो उसकी स्क्रूटनी नहीं हो पाती है, लेकिन जो भी डिसीजन लिया जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्विफ्ट तरीके से होता है, क्योंकि यह सिंगल पार्टी सिस्टम है और एक ही कॉलिशन है, एक ही विचारधारा है और एक ही हायरार्की को फॉलो करती है, जिसमें टॉप डाउन अप्रोच होता है, यानी कि जो उपशीर्ष पर बैठा व्यक्ति अपने डिसीजन को नीचे बैठे हुए व्यक्ति पर बहुत ही आराम से पास ऑन कर देता है। ये खास करके मुख्यतः देखा गया है कि अपरिवर्तनवाद यानी कि कंजर्वेटिव होती है और प्लूरलिज्म का इसमें कोई स्थान नहीं होता, और ये कंजर्वेटिव के साथ साथ रेडिकल्स भी होती हैं, इसमें लिबरल्स के होने की कोई जगह नहीं होती, जिसको हम फंडामेंटल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने ही विचारधारा को सुप्रीम मानते हैं और दूसरे किसी विचारधारा को पनपने तक नहीं देते हैं। सिंगल पार्टी व्यवस्था के कुछ एग्जाम्पल तो आप देखेंगे PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एरिट्रिया, वियतनाम, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और अगर इसमें आप मैप बनाकर इन चीज़ों को वर्तमान रूप से बना देंगे जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय प्रणाली है और एक दलीय प्रणाली है, तो ये जो आपके इंटरनल रिलेशंस के क्वेश्चन में आपको जाहिर सी बात है एक एज प्रदान करेगा, क्योंकि इससे आप अपने ज्योग्राफिकल नॉलेज को भी प्रदर्शित कर पा रहे हैं और ये आपके आंसर को एक वास्ट इम्पॉर्टेंस की ओर ले जाएगा। तो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले क्वेश्चंस में जितना हो सके उतना मैप बनाने पर ध्यान दें, जोर दें, भले ही इतना डिटेल नहीं, लेकिन एक आउटलाइन मैप ज़रूर से ज़रूर बनाएं, ताकि ये आपके ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को एग्जामिनर के सामने प्रक्षिप्त कर सके। अब क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम सिंगल पार्टी सिस्टम से बेहतर है, तो जाहिर सी बात है कि सिंगल पार्टी सिस्टम जो ऑटोक्रेटिक हो जाती है, यहाँ ऑटोक्रेटिक नहीं होने के कारण ये जो है वो ज़्यादा प्लूरल है, ज़्यादा लिबरल है। हाँ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उतनी स्विफ्ट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन उतना स्विफ्ट नहीं है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इतना स्विफ्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से डिसीजन होते हैं, बहुत से पार्टियाँ होती हैं, लेकिन उन डिसीजन की स्क्रूटनी होती है और उस स्क्रूटनी के डर से एक यूनिटेरियन डिसीजन, यानी कि वो डिसीजन लोक कल्याण का ही होगा, कोई अपने मनमानी से किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोई निर्णय या कोई पॉलिसी अपनाई नहीं जाती है। और वन मैन लीडरशिप जो सिंगल पार्टी में होती है वो इसमें नहीं होती, ये कलेक्टिव लीडरशिप होती है, नो वॉइस ऑफ डिसेंट होता है सिंगल पार्टी में। सिंगल पार्टी में आप जो है किसी की असहमति को आप जाहिर नहीं कर सकते, अगर आप किसी से असहमत हैं तो आप पार्टी से बाहर चले जाते हैं, लेकिन मल्टी पार्टी में ये चीज़ स्कोप है। और कुछ बाजी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अबडक्शन ऑफ पावर, इसमें क्या होता है कि जो मल्टी पार्टी और सिंगल पार्टी सिस्टम होती है उसमें सारा का सारा जो शक्ति होती है वो केंद्र के पास एक ही व्यक्ति पर केंद्रित होती है, जो आगे चलकर उसे तानाशाह बना देती है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में इस तरह का नहीं है, उसमें चेक्स और बैलेंस मेंटेन रहता है। लेकिन कभी कभी यह देखा गया है कि इन मल्टी बहुदलीय व्यवस्था में भी जब किसी एक पार्टी को, किसी एक दल को अधिक बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो वह सिस्टम भी सिंगल पार्टी सिस्टम के तौर पर चलने लगता है, और यदि कोई वो पार्टी किसी एक व्यक्ति, किसी एक नेता, किसी एक के नेतृत्व में इतने भारी बहुमत को हासिल करती है, तो वह व्यक्ति आगे चलकर, ऐसा देखा गया है कि वह धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक और जो है वो निरंकुश होने लगता है, और वो एक तरह से अधिनायक तत्वों में विलीन होने की संभावना उसमें अधिक रहती है। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स हैज बीन न्यून, भारत में और इवन विश्व भर में ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो ये क्लाइमेट चेंज और उसके लिए फ्रेंडली डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ मेंटेनिंग द क्लाइमेट चेंज, किस तरह से ये बेनिफिशियल रहने वाला है। हाल ही में ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स खबरों में रहा है, ये जलवायु के अनुकूल विकास को प्राप्त करने में किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है, वो उसे देखते हैं। सो व्हाट आर ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रीन अनुबंध हैं क्या, तो दे रिफर टू अ कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, वो एक तरह के वाणिज्यिक अनुबंध हैं जो कि मैंडेट करते हैं जो पार्टियां जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं टू कट डाउन द ट्रीज ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ऐसे कंपनियाँ, ऐसी पार्टियाँ जिनको अपने अलग अलग स्टेजों पर, चाहे तो प्रोडक्शन के स्टेज पर हो या फिर सर्विस के स्टेज पर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पर हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कि अपने हर एक स्टेज पर वो प्रयास करेंगी कि जो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो एमिट हो रहा है
इस तरह की वितरण विभिन्न चरणों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कटौती के लिए बाध्य होंगी। कटौती के लिए अपने चीज़ों को, अपने प्रोसेसेस को इस तरह से नियंत्रण में रखेंगी कि हर एक स्टेप में, यानी कि एक कंपनी है वो प्रोडक्शन के स्टेज में, मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में, सेलिंग के स्टेज में, प्रोक्योरमेंट के स्टेज में, हर एक स्टेज में ग्रीन गैस उत्सर्जन को कमी लाने के लिए बाध्य होगी इस तरह के अनुबंध में। यह मोस्टली मॉडिफिकेशन और कंट्रोल एट अ डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑपरेशन, यानी कि उद्योग के उत्पादन के डिज़ाइन, निर्माण, परिवहन, संचालन, इन सारे चीज़ों में कोशिश करके हर एक स्तर पर का ग्रीन हाउस गैस, यानी कि CO2, H2O, N2O, ठीक है, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के गैसों के मिनिमम निकलने की या एमिशन की कोशिश करेगी, जिससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा और ग्रीनरी भी बढ़ेगी। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट मे कमेंस एट द बिडिंग स्टेज। सो इसको बिडिंग स्टेज यानी शुरुआती के चरण में ही लागू करने की बात की जाती है। तो मोस्टली बड़े बड़े कंपनियों, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के उपबंधों में इसे शुरुआती चरण में ही शुरू किया जाता है। बहुत से इंटरेस्टेड कंपनियां जो हैं इस स्टैंडर्ड में भाग लेती हैं। हर एक टेंडर बनाया जाता है, उस टेंडर में एक ग्रीन प्रोटोकॉल को डिसाइड किया जाता है, एक ग्रीन टेंडर जारी किया जाता है, जिसमें अलग अलग कंपनियों को अपने मैन्युफैक्चरिंग या टेंडरिंग या मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, इन सब में वो बताती हैं कि वो किस तरह से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को हर स्टेज पर कम करेंगी, और जिस कंपनी का प्लान बढ़िया रहता है उसे यह टेंडर दिया जाता है, दैट इज़ उसको ग्रीन क्वालिफिकेशंस में इवेलुएट करने के बाद। सच ग्रीन क्वालिफिकेशंस में प्री डिफाइंड यूज़ ऑफ द ग्रीन एनर्जी भी, यानी कि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, उसमें ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा का कितना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि पॉल्यूशन इनडायरेक्ट रूप से भी कम हो रहा है। प्रॉपर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू नेगेटिव जीरो कार्बन फुटप्रिंट्स। सो एक तरह से जो जीरो कार्बन फुटप्रिंट्स की ओर आगे बढ़ने के लिए, जो 2030 तक जो नेट ज़ीरो एमिशन वाला जो प्लान यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, इस तरह के देश रख रहे हैं, उसमें ये एक मोनूमेंटल कदम साबित हो सकता है। देर इज़ ऑल्सो अ प्रीवियस ऑफ ग्रीन कॉम्पिटिशन। तो ग्रीन कॉम्पनसेशन का भी इसमें प्रोविजन है कि अगर वो कंपनियाँ कुछ अपने अनुबंधों को ठीक तरह से पालन नहीं कर सकती हैं और ग्रीन अनुबंधों में कहीं ना कहीं अगर त्रुटि होती है, तो उनको कुछ अलग से पेनाल्टी के फॉर्म में ग्रीन कॉम्पनसेशन नाम के फंड में रिलीज करना होगा। और इसी तरह से ग्रीन ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ विशेष नियम होते हैं जिनके द्वारा उनको ऑब्लाइज होना पड़ता है, ना कि केवल उस देश में अपितु उस पूरे सेक्टर में, जिसे ग्रीन ऑब्लिगेशन यानी कि ग्रीन दायित्व कहते हैं, ग्रीन मुआवजा कहते हैं, और ग्रीन ऊर्जा का उपयोग को उसे बढ़ाना होता है। और टेंडर उसी तरह से पास किया जाता है कि हर स्टेज में जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन ये दिखाए कि वो अपने हर मैन्युफैक्चरिंग हो, लॉजिस्टिक हो, सेलिंग हो, प्रोक्योरमेंट हो, उसके पास ग्रीन हाउस गैसेस और नेट ज़ीरो एमिशन की करने की क्षमता हो और वो बाकियों से अच्छी हो, उसे ही टेंडर अवार्ड किया जाता है। अब ये किस तरह से उपयोगी होने वाला है, तो ये ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर बुनियादी ढांचे, यानी कि जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा, कार्बन न्यूट्रलिटी को प्रमोट करेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी तो क्लाइमेट चेंज में कमी आएगी, क्लाइमेट चेंज में कमी आएगी तो जो मानसून है, खास करके भारत उपमहाद्वीप क्षेत्र में मानसून के एरेटिकनेस में कमी आएगी, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं अप्रत्याशित रूप से, उन पर कमी आएगी और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। और 2030 तक जो हमारा गोल है कि क्लाइमेट फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने का, वहाँ हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, और इससे क्या होगा कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उसमें रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी ग्रीन एनर्जीज में, उतने ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम हमको मिलेगी। तो जो फॉसिल फ्यूल बर्न करके, ठीक है, जो हम एनर्जी ले रहे हैं जीवाश्म ईंधन को जलाकर, जो हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, उस ऊर्जा का एक विकल्प ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ग्रीन एनर्जी के रूप में आ सकता है। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हरित प्रौद्योगिकी के लिए बेहतर आर्थिक अवसर मिलेंगे, जलवायु परिवर्तन और संबंधित आपदाओं में भी इससे राहत आएगी। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि एनालाइजिंग द ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ द ग्लोबल जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप्स, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल इन इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि जो GM फसलों के वैश्विक रुझानों को देखिए, उसके ट्रेंड्स को देखिए, और ये बताइए कि किस तरह से वो आने वाले समय में भारत और भारत की कृषि के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो वैश्विक रुझान, जो ग्लोबल ट्रेंड अभी हम देख रहे हैं कि 2019 तक GM फसलों की सटीक कृषि, यानी कि टोटल प्रिसाइज एग्रीकल्चर जो GM क्रॉप जो है वो 112
गुना बढ़ चुका है, यानी कि 1996 में अगर 1 किलोग्राम जीएम क्रॉप की प्रोडक्शन होती थी तो आज 112 हो रही है, यानी कि 112 गुना वह बढ़ चुका है। आज 79% ऑफ कॉटन जो है वो जीएम क्रॉप से उगता है, 74% सोयाबीन, 31% मेज़ यानी कि मक्का, 27% कनोला और इसी तरह से अन्य चीज़ों में जीएम क्रॉप की जो है भागीदारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नेट ग्लोबल फार्म इनकम यानी कि 20 वर्षों में वैश्विक जो कृषि आय में $186 बिलियन की वृद्धि हुई है केवल और केवल जीएम क्रॉप्स के सेक्टर में। और थोड़ा थोड़ा अगर हम देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर पेस्टिसाइड्स जिसे हम कहते हैं ठीक है कीटनाशक, उसके 8.2% खपत में गिरावट आई है। और ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उस पर जो है वो कीटों का असर कम होता है, उसको इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि कीट उस पर असर ना कर सकें, और इसी वजह से 8.2% जो है पेस्टिसाइड्स के दामों में और पेस्टिसाइड्स के डिमांड में कंजम्पशन में डिक्रीमेंट हुआ है, जो कि एक्चुअली जो एग्रीकल्चर कंट्रीज के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, बहुत बड़ी बचत किसानों और कृषि सेक्टर में हुई है। जो कृषि के रूप से विकसित देश हैं वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी CAS9 आदि का उपयोग कर रहे हैं, खास करके जेनेटिक मॉडिफिकेशन में और प्रिसाइज एग्रीकल्चर के टेक्निक में। BT ब्रिंजल टेक्नोलॉजी जो खासकर बांग्लादेश में भी यूज़ की गई है, वह 2018 में उस पर कहा गया कि जो बांग्लादेश में फार्मर्स को 6 गुना ज़्यादा यानी कि 6 गुना ज़्यादा आय प्राप्त हुई है इस बीटी ब्रिंजल के यूज़ करने से, और पेस्टिसाइड की कमी जो है वो 61% पेस्टिसाइड की कमी हुई रिकॉर्ड की गई है बांग्लादेश जैसे देश में जो हमारा पड़ोसी है, और ये जो है वो वैश्विक रुझान चल रहे हैं। और भारत में जीएम क्रॉप की क्या कंडीशन है, तो फिलहाल केवल और केवल बीटी कॉटन को ही भारत में मान्यता मिली है उसके सीड्स को जो मोनसेंटो बनाती है उसकी खेती करने के लिए, जिसको हम कहते हैं बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी कॉटन, एंड दैट अलाउज द क्रॉप टू डेवलप अ प्रोटीन प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉमन पेस्ट पिंक बॉल वॉर्म। तो जो पेस्ट पिंक बॉल वॉर्म होता है गुलाबी वॉर्म की जो पेस्ट से बचने के लिए, कीड़े से बचने के लिए बीटी कॉटन को इस तरह से डेवलप किया गया है। और HT BT कॉटन, सो ये जो है वो इंसर्शन ऑफ एन एडिशनल जीन फ्रॉम अनदर सॉयल बैक्टीरियम, यानी कि एक अलग जीन में ऐड कर इसे HT BT कॉटन बनाया जाता है, जिससे ये जो है किसको रेजिस्ट करता है, कॉमन हर्बिसाइड एंड ग्लाइसोफेट। सो इंडिया के कॉटन सेक्टर को HT BT और BT कॉटन ने काफ़ी मदद की हुई है, लेकिन जो अलग अलग क्षेत्र हैं जैसे कि BT ब्रिंजल हो या GM मस्टर्ड हो, उसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है, जिसकी वजह से हम अभी पीछे चल रहे हैं। कॉटन प्रोडक्टिविटी जो है कपास की उत्पादकता लगभग भारत में दोगुनी हुई है, और वैश्विक स्तर पर हमारा प्रोडक्शन ऑफ कॉटन जो है वो 12% से लेकर अभी 2014 में वो 25% तक बढ़ गया, यानी कि विश्व के कपास उत्पादन भागीदारी में हमारा 1/4 अभी कंट्रीब्यूशन चल रहा है। फ्रॉम अ नेट इंपोर्टर ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन आयातक से हम कॉटन निर्यातक बन चुके हैं, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन। अब GM मस्टर्ड और BT ब्रिंजल जो है वो अप्रूवल स्टेज पर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी यानी कि GEAC जो है उसको अप्रूव देने वाली है, और इसीलिए अभी तक उसका काम हुआ नहीं है। लेकिन GM क्रॉप्स जो हैं किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं तो हम देखेंगे। जैसे ही हम GM क्रॉप्स यूज़ करेंगे तो उनमें जो है पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स, इनका जो खर्चा होता है, कीटनाशक जो दवाइयों का खर्चा होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इस तरह से बनाया जाता है कि उस पर कीटों का, पतंगों का इस तरह से जो है नुकसान कम से कम हो जाए, उनमें बीमारियाँ नहीं होती हैं, लेस एक्सपेंस इन पेस्टिसाइड, और वो हाई यील्ड होते हैं यानी कि जो उनकी फसल दृढ़ता होती है वो ज़्यादा होती है, उत्पादक भी ज़्यादा होती है। पानी की रिक्वायरमेंट में देखा गया है कि GM को मॉडिफाइड क्रॉप्स को कंपैरेटिवली कम पानी की ज़रूरत होती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अब ज़्यादा ये सब चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आयात में हम आयात ना करके हम करेंगे निर्यात, जिसको हम कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। भारत में हालिया स्थिति ये है कि हम 65% जो खाद्य तेल है उसमें का 65% हमें जो है वो आयात करना पड़ता है, जो हमें ग्लोबली यानी कि हर साल $10 बिलियन की रकम चुकाकर 65% खाद्य तेल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम GM मस्टर्ड को उगाएंगे तो हमारे पास सरसों का तेल इतना प्रचुर मात्रा में हो जाएगा कि हमें ये 10 बिलियन सालाना बाहर में जो भारतीय आय है वो विदेशों में नहीं जाएगी, लॉस ऑफ मनी एक्सचेंज।
अब देखते हैं चौथे प्रश्न। सो क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत के स्वाधीनता संग्राम के लड़ाई में नॉन खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन हमें बताना है कि किस तरह से खिलाफत आंदोलन जो 1919 वर्ल्ड वार वन के प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद शुरू होता है और असहयोगी आंदोलन यानी खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है किस तरह से वो उनके आगे बढ़ते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, साथ ही साथ उसका हमको समालोचनात्मक विश्लेषण यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है, यानी कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो पहले हम उसके बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, फिर उसको पॉजिटिव पॉइंट्स को बताएंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव्स। सो बैकग्राउंड ये है कि आपको सबको पता ही है कि 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, उसके बाद एक वर्ष वो भ्रमण करते हैं, फिर 1917 और 18 में चंपारण और बॉम्बे स्ट्राइक मिल एंड देन खेड़ा सत्याग्रह, ये तीन मोमेंट से जो चंपारण सत्याग्रह है वो पहला सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा कानून होता है, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो होता है वो क्या होता है वो सबसे पहला भूख हड़ताल होती है, और खेड़ा सत्याग्रह वो सबसे पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस तरह से वो अपने सत्याग्रह के अस्त्र को भारत में प्रस्तावित कर देते हैं जो वो साउथ अफ्रीका से सीख कर आते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसको देखते हुए जो अंग्रेज़ जो अपने कैरेट ऑन स्टिक पॉलिसी, ठीक है, गाजर और लाठी नीति वाली कैरेट और स्टिक पॉलिसी से कैरेट देने का प्रयास करते हैं, अच्छी अच्छी बातें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसे हम मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म भी कहते हैं उसका इंसर्शन करते हैं, और उसके बाद फिर एक नया दमनकारी कानून रौलट एक्ट ले आते हैं, यानी कि एक तरफ से अच्छी बात की गाजर दिया और दूसरी तरफ से सोटी लगाई डंडा लगाया बाय द रौलट एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी को भी बिना ट्रायल के उठाकर जेल में बंद किया जा सकता था, और इसी का जो विरोध होता है तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, इसके विरोध में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है इसी रौलट एक्ट के। उसी तरह में जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन बहुत ही लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे होते हैं और तभी जनरल ओडायर आते हैं और गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी निर्मम लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, और इसी के बदले फिर आगे चलकर गांधी जी इस मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं। और उसके बाद जब वर्ल्ड वार प्रथम वर्ल्ड वार में तुर्की की हार होती है और वहाँ के खलीफा को हटा दिया जाता है, तो उसके खलीफा को मांग करने के लिए दुनिया भर के मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ देते हैं जिसमें भारतीय मुसलमान भी शामिल होते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्रीय मूवमेंट है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक रिलीजियस एंगल घुस जाता है, और गांधी जी इसे बहुत अच्छे मौके की तरह देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को किस तरह से बढ़ाया जा सके। और फिर वो एक जॉइंट डिमांड रखते हैं और वो कहते हैं कि पंजाब में जो गलत हुआ, जो जनरल डायर ने गलत काम किया, उसकी आप विशेष न्याय कराइए, निष्पक्ष जांच करवाइए, उसको सजा दिलवाइए, ठीक है, हमको रिफॉर्म्स दीजिए, और खिलाफत यानी जो टर्की के खलीफा को फिर से उसके सीट पर ला के रख दीजिए, यानी कि तीन कंबाइंड डिमांड रखते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये इसका एक बैकग्राउंड रहता है। तो खिलाफत इशू जो था वो तुर्की के समर्थन में खिलाफत का मुद्दा उठा था विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों और मुस्लिम लीग जो युवा राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं का विकास होता है प्रथम युद्ध के बाद, वैसे ही आर्थिक कठिनाइयों से भारत लोग जुड़ रहे होते हैं तो अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ एक गुस्सा होता है। उसके बाद मुस्लिम लीग जो मुख्यतः कांग्रेस का अपोज और कांग्रेस के बराबर समानांतर एक पार्टी खड़ी की गई थी जो फूट डालो राज करने नीति के तहत, तो उसके एक नया वर्ग जवान वर्ग खड़ा होता है और वो देखता है कि किस तरह से अंग्रेजी शासन में उन्हें केवल और केवल प्रस्ताव के बदले केवल आश्वासन के बदले कुछ नहीं मिला है, और वो जो है वो अंग्रेज़ों के प्रति क्रिटिकल हो जाते हैं, और ये मौका देखकर गांधी जी इन दोनों को यूनाइट करने में सफल हो जाते हैं और आगे चलकर एक कंप्लीट ऑल इंडिया खिलाफत समिति बनती है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं, और इस मूवमेंट को वहाँ से शुरू किया जाता है। इमरजेंस ऑफ गांधी आफ्टर चंपारण री यूनियन ऑफ द मॉडरेट्स, और उससे पहले 1916 में जो गरम दल और नरम दल है वो एक दूसरे से मिल चुके हैं लखनऊ सेशन में अंबिका चरण मजूमदार के तहत, और फिर
कांग्रेस भी उस वक्त मजबूत होती है, मुस्लिम लीग का भी साथ मिलता है और लीडर भी होते हैं श्री महात्मा गांधी। और इस तरह से जो डिसअफेक्शन कॉज होता है हंटर कमीशन द्वारा, जो हंटर कमीशन वो कमीशन होता है जो जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग में गोली चलाई है उसकी जांच करने के लिए एक कमीशन सरकार नियुक्त करती है, इसका नाम WW हंटर। और वो हंटर कमीशन जनरल डायर को बाइज्जत बरी कर देता है, जिससे लोगों में और ज़्यादा गुस्सा फैल जाता है और इन्हीं कारण से एक नया आंदोलन शुरू होता है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन, अब इस मूवमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान क्या रहता है, तो योगदान ये रहता है कि पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू मुस्लिम एकता को क्रिएट किया जाता है। इसके जितनी एकता इस समय की हिंदू मुस्लिम भागीदारी जितनी भागीदारी कभी भी भारत के इतिहास में किसी भी आंदोलन में नहीं रही है, यहाँ तक कि भारत छोड़ो आंदोलन में भी नहीं रही है। तो ये पहली बार ऐसा होता है जब हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर बढ़ चढ़कर भारत की आज़ादी, पंजाब की में हुई गलत नीतियाँ तथा तुर्की के खलीफा को वापस रखने और भारत की आज़ादी की स्वराज और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांग करते करते एक साथ एक यूनाइटेड फ्रंट को क्रिएट करते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल द क्लासेस ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के हर वर्ग के लोग जो है इसमें भाग लेते हैं। गांधी को इसका लीडर चुना जाता है। स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल जो है वो एम्बोल्ड हो जाता है और इसकी वजह से एक राष्ट्रवाद तो फैलता ही है, लेकिन इसका नेगेटिव भी ये होता है क्योंकि महात्मा गांधी किसी एक विशेष वर्ग के समुदाय विशेष के धार्मिक मामले को भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में आने की जगह देते हैं, जिससे मुस्लिम लीग को ये लेजिटिमेसी, ये वैधता प्रदान हो जाती है कि वो मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के हित में काम करती है और जो भारत का राष्ट्रीय संग्राम है वो एक तरह से एक धर्म विशेष के धार्मिक अनुयाय को, धार्मिक रूप के धार्मिक हिंसाओं, धार्मिक इच्छाओं, धार्मिक अधिकारों को पूर्ण करने की एक लड़ाई बन जाती है, जो आगे चलकर संप्रदायवाद को भी जन्म देती है। क्योंकि मुस्लिम्स जो है उनका कहना होता है कि हम इस मूवमेंट से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम खलीफा को चाहते हैं, एक बार खलीफा इस्टाब्लिश हो गया तो हम इस मूवमेंट से बाहर हो जाएंगे। और इसी के बैकग्राउंड में ये देखा गया है कि 1921-22 में जो है साउथ इंडिया में, केरला में खास करके मोपला विद्रोह होता है, जहाँ पर भारी मात्रा में हिंदुओं का नरसंहार किया जाता है। इस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम एकता की आड़ लेकर जो वहाँ के रेडिकल कुछ कट्टर मुस्लिम नेता होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाकर जगह जगह पर आम जनमानस, हिंदू जनमानस का नरसंहार करते हैं और ये तब से एक कम्युनल लाइन ले लेता है। और आगे चलकर यही जो मुद्दा है ये दो नेशन थ्योरी, टू नेशन यानी कि दो राष्ट्र की नीति में, टू नेशन थ्योरी में बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। और इसके बाद से भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्रों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हिंदू और मुसलमान जो है पहले यूनाइटेडली फाइट करते हैं, लेकिन अलग होने के बाद उनके बीच की जो इच्छा वैमनस्य और बढ़ जाता है और कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और वो साथ में कभी रह ही नहीं सकते। इस तरह की जो डिमांड है वो खास करके मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी द्वारा ये रखी जाती है। तो गांधी वाज चूजन एज ए यूनानिमसली लीडर, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एम्बोल्डेंड। और इसी वजह से खिलाफत आंदोलन में, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन था, बढ़ चढ़ कर भागीदारी थी, तो ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेज सरकार को एक भारी चुनौती मिलती है। खास करके नए नए जो राष्ट्रवादी नेता मुस्लिम लीग में भी थे और कांग्रेस में भी थे वो इसको बहुत भारी समर्थन देते हैं। और ये जो इनविंसिबिलिटी होती है, ये जो मिथक होता है कि जो ब्रिटिश सरकार को हराया नहीं जा सकता, लोग कुछ प्रदर्शन नहीं करते, उनको उसके घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया और ये बता दिया कि गोड़ी चमरी वाले को भी भारत के लोग चाहें तो झुका सकते हैं। और ये डर वहाँ के लोगों से इस बार ये ख़त्म हो जाता है। जो स्वदेशी आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन कहीं ना कहीं दब जाता है, उसका पुनः जागरण होता है 1919 के रॉयल एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, से खिलाफत असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो ड्रॉबैक्स यही हैं कि क्योंकि किसी राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई में किसी धार्मिक मुद्दे को हमने शरण दे दी, आने दिया, तो ये धीरे धीरे एक धार्मिक रूप ले लेता है और दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में एक डिवीज़न क्रिएट करता है, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो धार्मिक रंग पकड़ लेता है और दो राष्ट्र की नीति यानी टू नेशन पॉलिसी को जन और ज़्यादा प्रबल हो जाता है, जिससे जिन्ना फ़ायदा उठाकर दो अलग अलग कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और वो कभी साथ नहीं रह सकते। और भारत का विभाजन की नींव जो है वो देखें तो पहले तो 1905 में ही पड़ जाती है, लेकिन उसका सिंचन 1909
जबकि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है। उसके बाद 1919 में जब वो खिलाफत मूवमेंट में जुड़ते हैं उसके बाद से शुरू हो जाता है, और अंत में 1947 में दो टुकड़े होकर ही बाद में ही अंत होता है। मुस्लिम लीग वॉज गिवन द लेजिटिमेसी, मुस्लिम लीग को ये लेजिटिमिटी प्रोवाइड कर दी गई कि आप मुसलमानों के एकमात्र वैध, यानी कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग को वैधता प्रदान कर देती है, जो उसकी आगे चलकर बहुत बड़ी भूलों में से एक भूल माना जाता है। गांधी जी जो हिंदू मुस्लिम एकता को पाने के लिए अलग अलग वर्चुअल मीटर रखते हैं, अलग अलग छोटी छोटी घंसाओं को नज़रअंदाज करते हैं, इवन यहाँ तक उन्हें मोपला में हुई घटनाएं और हिंदुओं नरसंहार को भी नज़रअंदाज कर दिया, ताकि पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, और ये इसका एक ड्रॉबैक होता है, इसका नेगेटिव पॉइंट होता है। नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज अलाउड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनेशनल कॉज, भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से उसे प्रभावित होने दिया गया, और राष्ट्रीय आइडेंटिटी के आगे, देश हित के आगे जब धर्म हित आने लग गया, और वो बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है, और जिसके भारत में जो है कम्युनिज्म संप्रदायवाद को बहुत तेज़ी से फैलाता है। और उसके बाद इसी में एक और इंसिडेंट, अचानक से चौरी चौरा में जब गांधी जी सोच ही रहे थे कि इस मूवमेंट को बंद करना है क्योंकि यह धीरे धीरे सांप्रदायिक होता जा रहा है, तभी एक ऐसी घटना होती है कि 1922 में चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर लोग, लखनऊ के पास एक जगह है, वहाँ पर लोग पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। ये मामला हिंसक हो जाता है। गांधी जी उचित समय देखकर इस मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं, जिससे लोगों में काफ़ी रोष और आक्रोश भी रहता है, और गांधी की लोकप्रियता में कुछ कमी भी आती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं इस राष्ट्रीय आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए कोई भी कदम उठाऊँगा, चाहे उसके लिए मेरी आलोचना ही क्यों ना हो। तो ये उसके एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन ने जो कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स, सांप्रदायवाद, भारत की राष्ट्रीय स्ट्रगल में सांप्रदायवाद को एक जगह दी, और आगे चलकर यही टू नेशन थ्योरी का जनक भी बनता है। तो ये था आज के वीडियो, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।